Hello friends, I welcome to all of you on our YouTube channel. In today's lecture, I'm going to discuss with you Auguste Comte, the father of sociology. Auguste Comte was a French sociologist. He is considered as father of sociology. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ आता है, who is the father of sociology? तो वहाँ पे आंसर कीजिए, Auguste Comte is considered as father of sociology. उनकी बायोग्राफी, Auguste Comte was born in 1798 during the ferment of the French Revolution, that vast complex of events which heralded the birth of the modern world. Auguste Comte का 1798 में जन्म हुआ है फ्रांस में. उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी. उसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने मॉडर्न वर्ल्ड को एक नया पर्सपेक्टिव दिया. उसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने मॉडर्न वर्ल्ड को इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, लिबर्टी, ब्रदरहुड, ये जो प्रिंसिपल्स है, यह प्रिंसिपल्स पूरे दुनिया में स्प्रेड किए गए. स्प्रेड हुए कहाँ से? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. ऑगस्ट कॉम्टे 1798 यहाँ पर उनका जन्म हुआ, तो 1857 में इनका डेथ है. 1857 जो डेट है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1857 में इंडिया में क्या हुआ था, 1857 में इंडिया में 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 का रिवोल्ट, ठीक है. तो ये डेट ऐसे ध्यान में रखेंगे. ऑगस्ट कॉम्टे ए फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट वॉज बोर्न एट मॉन्टपेलियर फ्रांस ऑफ कैथोलिक रॉयलिस्ट पेरेंट्स. ऑगस्ट कॉम्टे फ्रांस में फ्रांस के मॉन्टेपिलर में कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ. इन 1814 ही वॉज एडमिटेड टू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम कॉल्ड द इकोले पॉलिटेक्निक. 1814 में इकोले पॉलिटेक्निक में इनका एडमिशन हो गया. Here, the most of the professors were scholars in mathematics and physics. They had little interest in the study of society. But young Auguste Comte, being sensitive to the kind of social disorder that France was undergoing due to the revolution, was keenly interested in human affairs and the study of society. देखो, क्या होता है? उनका admission polytechnic college में उनके घर वाले कराते हैं, बट वहाँ के जो प्रोफेसर थे मोस्टली मैथमेटिक्स और फिजिक्स के प्रोफेसर थे, तो उनको सोसाइटी के बारे में उतना इंटरेस्ट नहीं था. बट ऑगस्ट कॉम्टे ह्यूमन अफेयर्स एंड सोसाइटी का स्टडी करना चाहता था. क्यों करना चाहता था? क्योंकि उस टाइम में सोसाइटी में सोशल डिसऑर्डर क्रिएट हो गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चलते. तो ऑगस्ट कॉम्टे was involved in a student protest at Ecole Polytechnique, because of which he was expelled. Auguste Comte student ke jo protest the unme participation unhone kiya tha, iske karan unko wahan se college se nikal diya gaya. To uske baad unke jeevan mein bahut sari kathinai aa gayi, kyunki jahan par bhi wo jaate the to career ke liye unko ek academic degree ki zarurat thi, to woh fulfill nahi kar pate the. To dekhiye, यह इनका एग्जाम्पल आज हमारे सामने है कि कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट आपके नॉलेज का मोहताज नहीं होता. तो ऑगस्ट कॉम्टे के पास तो कोई डिग्री भी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, फिर भी ऑगस्ट कॉम्टे को हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल इंसाइट एंड इंटेलेक्चुअल नॉलेज. एट इकोले पॉलिटेक्निक he came under the influence of such traditionalist social philosophers as L.J. Bonald and Joseph D. Mestre. It was from them that he borrowed the notion of an order governing evolution of human society. Ecole Polytechnique mein jo traditional social philosophers the L.J. Bonald and Joseph D. Mestre, unse unhone order governing the evolution of human society ke evolution ke का जो कॉन्सेप्ट है, यह उन्होंने वहां से इनसे बोरो किया. फिर फ्रॉम कॉन्ट्रोसेट अनदर मेजर फिलोसोफर ऑफ फ्रांस हु वाज बिहेडेड लेटर, कॉम्टे गॉट द आइडिया दैट दिस इवोल्यूशन अकर्स अलोंग विथ प्रोग्रेस इन ह्यूमन सोसाइटी. सोसाइटी का जो इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन सोसाइटी का, तो यह इवोल्यूशन
प्रोग्रेस के साथ हुआ है। यह कॉन्सेप्ट कॉम्टे ने कोंडोरसेट से अडॉप्ट की है। इन 1824 ही बिकेम ए सेक्रेटरी टू सेंट साइमन एन एरिस्टोक्रॉट बाय बर्थ बट एन इटोपियन सोशलिस्ट इन आइडियाज। He became a close friend and disciple of Saint Simon, who stimulated his interest in economics. It was this period that Auguste Comte worked out the general conception of a science of society, which he named sociology. 1824 में Auguste Comte Saint Simon के secretary बने। Saint Simon ने उनको economics में interest उनका जगा दिया। किसका? Auguste Comte का। और इसी दौरान Auguste Comte ने साइंस ऑफ सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वह बिल्ड किया। ऑगस्ट कॉम्टेज एम्बिशन वाज द पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ऑगस्ट कॉम्टे का क्या था एम्बिशन? उनका एम्बिशन यह था कि पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू हिम सच रीऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू डिपेंड अपॉन द स्पिरिचुअल एंड मॉरल यूनिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी का तो होना ही चाहिए, बट किस कौन से तत्वों के आधार पे होना चाहिए? तो स्पिरिचुअल एंड मॉरल यूनिफिकेशन ऑफ सोसाइटी के आधार पर होना चाहिए। दस विद सेंट साइमन ही डेवलप्ड सेवरल मेजर आइडियाज। हाउएवर देयर पार्टनरशिप वॉज शॉर्ट लिव्ड एंड दे एंडेड अप क्वारलिंग विद ईच अदर। सेंट साइमन के साथ उन्होंने कुछ थ्योरीज बिल्ड किया, बट बाद में उन दोनों के बीच में विचारों का टकराव आ गया और वो अलग हो गए। लेटर ऑगस्ट कॉम्टे पब्लिश सम ऑफ हिज लेक्चर नोट्स इन कोर्स डे फिलोसॉफी पॉजिटिव। उसके बाद ऑगस्ट कॉम्टे ने कोर्स डे फिलोसॉफी पॉजिटिव में उनके जो लेक्चर्स के नोट्स थे वो पब्लिश किए। इन दिस वर्क ही रोट अबाउट द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस एंड डेवलप्ड हिज conception of a science of society। देखो इसके पहले society का science यह कोई particular science नहीं था। कुछ philosopher थे, thinkers थे जो society के बारे में सोचते थे ऐसी होनी चाहिए, वैसी society होनी चाहिए, but as a discipline society का discipline study करने वाला कोई भी society के ऊपर एक science तैयार नहीं था। तो वह science किसने तैयार किया? तो ऑगस्ट कॉम्टे ने तैयार किया। और उसी दौरान लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस भी ऑगस्ट कॉम्टे ने बताए थे। बताइए कौन से लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस? थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव। व्हाइल वर्किंग ऑन दिस बुक ही डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ सेरेब्रल हाइजीन। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू कीप हिज माइंड अनकंटेमिनेटेड ही स्टॉप्ड रीडिंग अदर पीपल्स वर्क। इसी दौरान प्रिंसिपल ऑफ सेरेब्रल हाइजीन उन्होंने बनाया। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सेरेब्रल हाइजीन? इसका मतलब है कॉम्टे मानते थे कि किसी और फिलोसोफर का कोई भी मटेरियल आप मत पढ़ो, जो भी पढ़ना है खुद का पढ़ो, क्योंकि कंटेमिनेटेड अगर कोई आप किताब पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो आपका माइंड भी कंटेमिनेट हो जाएगा। तो माइंड को अनकंटेमिनेटेड रखने के लिए इन्होंने पढ़ाई करना ही छोड़ दिया किसी और का। बिटवीन 1851 टू 1854 ही रोट ए ट्रीटीज एंटाइटल्ड सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स। इन दिस बुक ही अप्लाइड द फाइंडिंग ऑफ थ्योरेटिकल सोशियोलॉजी टूवर्ड सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज सोसाइटी। 1851 और 54 में उन्होंने सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स ये बुक लिखा। तो इस बुक में उन्होंने सोशियोलॉजी की जितनी भी थ्योरीज है, ठीक है, वह थ्योरीज कैसे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, उस थ्योरी से सोसाइटी के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकते हैं, यह उन्होंने इस बुक में बताया है। It was during this period that he met Clotilde de Vaux. इनका यहाँ पर फोटो है, Clotilde de Vaux, who became a close friend. Auguste Comte की जो ये जो
इनके साथ फ्रेंडशिप बनी और फिर इन दोनों का प्यार हो गया। जो ऑगस्ट कॉम्टे हर चीज़ में साइंस देखते थे, हर चीज़ में पॉजिटिविज्म देखते थे। अब देखिए क्या होता है, क्लाइमेक्स ऐसे आता है, प्यार आदमी को कुछ भी बना सकता है। हर डेथ इन 1846, ए ईयर आफ्टर दे मिट, अफेक्टेड ऑगस्ट कॉम्टे टू सच ए ग्रेट डिग्री दैट हिज आइडियाज टर्न टूवर्ड मिस्टिसिज्म एंड रिलीजन। जो ऑगस्ट कॉम्टे खुद को नास्तिक कहते थे, खुद को रिलीजन और मिस्टिसिज्म से परे कहते थे, पॉजिटिविज्म के ऊपर, साइंस के ऊपर बिलीव करते थे, वह उनकी आइडिया रिलीजन के ऊपर लेके चले गए। हिज आइडियाज विच ही पुट डाउन इन द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स शिफ्टेड पार्टली फ्रॉम पॉजिटिविज्म टू कंस्ट्रक्ट ए रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। उनके समझ में आ गया कि पॉजिटिविज्म से हर चीज संभव नहीं है, तो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का रिलीजन, मानवतावाद का धर्म बहुत जरूरी है सोसाइटी में हार्मोनी क्रिएट करने के लिए, बनाए रखने के लिए। ड्यू टू दिस चेंज इन हिज आइडियाज ही लॉस्ट मेनी ऑफ हिज डिसाइपल एंड इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स सच एज जे एस मिल ऑफ इंग्लैंड। इसके कारण उनके कुछ दोस्त भी वो हो चुके, जैसे कि जे एस मिल इंग्लैंड के। ही टुक हिज रोल एज द प्रोफेट ऑफ सोशल रीजनरेशन सो सीरियसली दैट ही इवन सेंट अ प्लान टू द रशियन किंग सजेस्टिंग आइडियाज टू रीऑर्गेनाइज सोसाइटी। सोसाइटी का रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए इन्होंने खुद को एक प्रॉफिट की तरह उन्होंने पेश किया। इतने वो सीरियस थे कि उन्होंने सोसाइटी का रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए एक प्लान भी बनाया और सेंड किया, कहाँ, किसको, रशिया के किंग को। हावेवर टिल हिज एंड ऑगस्ट कॉम्टेज वर्क वे आर नॉट रिकॉग्नाइज इन फ्रांस। जब तक वो जिंदा जिंदा थे, फ्रांस में किसी को भी उनका वर्क पता नहीं था। ओनली आफ्टर हिज डेथ इन 1857 ही बिकेम पॉपुलर फर्स्ट इन इंग्लैंड एंड देन इन फ्रांस एंड देन जर्मनी। उनके डेथ के बाद इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में वो फिर फेमस हो गए। द डायरेक्ट इम्प्रिंट ऑफ हिज थिंकिंग कैन बी सीन इन द फ्रेंच साइंटिफिक मूवमेंट ऑफ द लास्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का जो लास्ट हाफ है, वहाँ पर फ्रांस में जो फ्रेंच साइंटिफिक मूवमेंट हो गए, तो उस मूवमेंट के पीछे का जो विचार है, आधारशिला है, वह ऑगस्ट कॉम्टे के विचार को माना जा सकता है। रिप्रेजेंटेड बाय सच थिंकर्स एज टाइने, बर्थेलोट एंड रेनान एंड सच आउटस्टैंडिंग इंग्लिश फिगर एज जे एस मिल। तो कुछ थिंकर्स थे टाइने, बर्थेलोट और रेनान, इनके इनकी जो राइटिंग्स है, इनके ऊपर ऑगस्ट कॉम्टे का इन्फ्लुएंस था। मेन वर्क ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे द प्रोस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। ना 1822 ए जॉइंट वर्क ऑफ कॉम्टे एंड सेंट साइमन। सेकंड पॉजिटिव फिलोसॉफी 1830। थर्ड सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। फोर ए जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म। फिफ्थ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। सिक्स्थ कैथेजिज्म ऑफ पॉजिटिव रिलीजन। सेवन अपील टू कंजर्वेटिव्स। ये बुक आप लिख लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में बुक्स पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स।